क्योंकि आप भी बिके हुए हैं। देखिए, हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता बहन जी। उन्होंने 3 पुलिस वालों का और मर्डर किया है, जिसमें से एक इंस्पेक्टर मेरा छोटा भाई था। मेरी भी एक छोटी सी बहन है, एक बेटी है। मैं भी चाहता हूं कि वो निडर होकर जिए। अगर मैं बिका हुआ होता तो आपके घर आकर आपकी बेटी को गवाही देने के लिए नहीं बोलता। इंस्पेक्टर साहब, आप भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। रिंकी के संग जिसने भी गलत किया है उसको सजा तो होनी ही चाहिए। देखिए, बयान देने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए मुजरिम की शिनाख्त करनी पड़ेगी, कोर्ट में जाकर गवाही देनी होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम शिनाख्त करेंगे और हम कोर्ट में भी आएंगे गवाही देने। हाँ। दुबे, बयान लिखो इनका। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। बेटा, आज जैसी हिम्मत तुमने दिखाई है ना, वही हिम्मत आज सभी को दिखाने की जरूरत है। शाबाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। मेरे मना करने के बाद भी पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि मेरा जमीर नहीं मान रहा था। ये जो तुम झांसी की रानी बन रही हो ना, ये बहुत भारी पड़ेगा तुम पे। यही तो, कसम अमजद खान की, क्या भारी पड़ेगा? और मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही जीजा जी, आप इतना डर क्यों रहे हैं? अरे भाई बेटा, ये अपने आप के लिए नहीं डर रहा है, ये डर रहा है अपने परिवार के लिए। और रिंकी और उसका परिवार, आप लोग को उनकी कोई फिक्र है भी या नहीं? बहुत बोलने लगी हो तुम, चुप रहो। शुक्र कीजिए कम से कम बोल तो रही है। जून के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तो की है इसने। ये जो ये हिम्मत है ना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तुम समझ क्यों नहीं रही हो बॉबी मेरी बात? राहने दीजिए चौबे भैया, इस जुर्म के खिलाफ किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके परिवार की औरतें कितनी बहादुर हैं। गुप्ताइन भाभी, भाषण देना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब ये घटना आपके सामने घटती है ना, तो अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। पता नहीं है आपको कि क्या क्या होता है? तोते उड़ क्या जाते हैं? तोते तो हम उड़ाती, थाने के थाईलैंड में जाके ना फौरन गवाही दे देती हम। हाँ, यही तो। अरे देर आए दुरुस्त है, बॉबी ने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही लिया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, और इन गुंडों के ना गुड़गांव को तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं। मैं उन गुंडों को फांसी पे चढ़वा के रहूंगी। तुम अगर आपको मेरा साथ नहीं देना है तो मत दीजिएगा। साथ दीजिए पापा, एक एक मिलकर ही लाखों बनेंगे। जब लाखों साथ खड़े होंगे तो इन गुंडों की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो लड़कियों के साथ कुछ भी गलत कर दें। कोई तेरा साथ दे ना दे बबली, पर मैं तुम्हारे साथ। और हम भी। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने
सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।